अभी अभी की सबसे बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल को ईडी ने फिर से भेजा नोटिस। ईडी ने शराब घोटाले में मुख्यमंत्री को पूछताछ के लिए फिर बुला लिया है। 21 दिसंबर को पेश होने के लिए कहा गया है। इससे पहले 2 नवंबर को अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए ईडी ने नोटिस भेजा था, लेकिन वो चुनाव का बहाना कर भाग गए थे। शराब घोटाले के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री को प्रवर्तन निदेशालय ने एक बार फिर से समन भेजा है। जांच एजेंसी ने अरविंद केजरीवाल को 21 दिसंबर को पेश होने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी का यह दूसरा समन है। ईडी का समन मिलते ही आम आदमी पार्टी में हड़कंप मच गया है। केजरीवाल आनंद फानंद में कई बड़े नेताओं से मुलाकात भी कर रहे हैं। ईडी का समन मिलने के सिर्फ 2 घंटे पहले ही अरविंद केजरीवाल ने इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिले थे। लगभग 45 मिनट तक केजरीवाल और ममता बनर्जी की मुलाकात चली थी। बैठक के बाद केजरीवाल मीडिया से बिना बात किए ही निकल लिए थे। फिर इसके बाद केजरीवाल ने उद्धव ठाकरे से मुलाकात की है। बैठक में संजय राउत भी शामिल थे। इंडिया गठबंधन के साथ ईडी के नोटिस पर भी चर्चा हुई। खास बात यह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 20 दिसंबर से 30 दिसंबर तक विपस्सना मेडिटेशन पर रहेंगे। इसके लिए वह 19 दिसंबर को रवाना होने वाले हैं। हालांकि यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि केजरीवाल विपस्सना का अभ्यास कहां करेंगे। आम आदमी पार्टी ने उनके स्थान के बारे में जानकारी देने से इनकार किया है। मुख्यमंत्री केजरीवाल पिछले साल भी विपस्सना पर गए थे। उस दौरान तत्कालीन उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली का कामकाज संभाला था।